बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, परमेश्वर में बने रहने का आधार है। मेरा जीवन इन वचनों से कभी दूर ना होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहते हैं जब इसराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और अपने काम दिखाए, अपने चमत्कार दिखाए और यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने अपना आप उन पर प्रकट किया, लेकिन बाइबल कहती एक प्रॉब्लम यह थी कि मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इसराइलियों के ऊपर अपने काम को प्रकट किया। आज भी इसराइली अब कामों को देखना चाहते थे, जब दुखी होते थे पानी से तो परमेश्वर से मीठा पानी मांगते थे, जब मीट नहीं मिलता था मीट मांगते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जैसे मूसा ने परमेश्वर को बोला था कि हे परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, शो मी योर ग्लोरी। इसराइलियों का ध्यान इसी चीज की तरफ रहता था, मुझे क्या चाहिए, आज मुझे हीलिंग चाहिए, अब हीलिंग हो गई, अब मुझे फाइनेंस चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। एक दिन मैं वचन को पढ़ रहा और मैंने क्या देखा कि अंधा जिसको परमेश्वर ने मरकुस 10 की 46 में चंगा किया, बरतिमाई को तिमाई के उसको जब हीलिंग दी परमेश्वर ने उसके बेटे को, तो भाई वो भी अंधा भिखारी था, आप इमेजिन करो जब उसने हीलिंग ले ली होगी, शैतान तभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता होगा क्योंकि हीलिंग लेने के बाद अब वो गरीब था क्योंकि भिखारी था। तो हीलिंग लेना लास्ट पॉइंट नहीं था, अगर वो यीशु मसीह को पहने रखेगा तो अब उसके बाकी कर्ज भी टूटेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो हीलिंग एक चिन्ह था कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और तुझे मेरे पीछे चलने हैं, मैंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कार का मैकेनिक ही कार ठीक कर सकता है, एक कुम्हार कार ठीक नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और घड़े को अगर आप कार मैकेनिक के पास ले जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिस चीज को जिसने बनाया वो उसी को ठीक कर सकता है, वही उसको ठीक कर सकता है, वही उसको रिपेयर कर सकता है। इसलिए आज लोग चर्च में आके बोलते हैं मेरी हड्डियां खत्म हो चुकी थी, मेरी किडनियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है और जो आपके पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा पार्ट्स जो स्वर्ग में रखे हुए वो आपको लगा के आपको हील भी कर सकते हैं। लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 24 बाप उसकी 15 आयत को, उसमें लिखा यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पहला पॉइंट जो आज आपने नोट करना है, अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रोफेट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है यहोशू ने कहा तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए। और मैं आपको बताता हूं जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने, मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोलो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ, मैं आपको बताता हूं सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की।
मेरा बिलीव ये है कि अगर आप चर्च में एक साल से ज्यादा के मेंबर हो तो आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए, आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें, बाइबल बताती यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। जब आपको बहुत, आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं? जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हां, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपकी आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदा बंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती, आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती, प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती, जो सिर्फ सेवा करने से हल होती। सिर्फ सेवा करने से, जो और किसी चीज से हल नहीं होती। इस हफ्ते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का, वो मुझसे मिलना चाहता है। और ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्त था, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो इतना सीरियस नहीं लेते थे लोग चर्च के। लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला मैंने तुरंत रिप्लाई किया, मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सुनो ध्यान से। और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो वो मेरा दोस्त था। इकट्ठे हमने बैठना, काम करना, अटारी बाजार में मेरी दुकान थी जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी, शराब पीनी, सब गलत काम करने उसके साथ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं शुरू से, अब सिर्फ मसीह में आने से, आने के बाद नहीं, मसीह के आने से पहले मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। और जब भी दोस्तों के साथ खाना पीना होता था तो पैसे मैं खर्चता ज्यादातर 90%। पर एक छोटे से बिजनेस की वजह से मैं उससे अलग हो गया, वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी एक बिजनेस की वजह से किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यों, परमेश्वर ने उसे दूर क्यों किया, लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली का प्रभाव नहीं था मुझ पर, उसका प्रभाव था मुझ पर। अगर मेरी फैमिली बोल देती कुछ ये काम करना है तो नहीं करता, अगर वो बोल देता वहां पे जाना है, वहां खतरा है जान का, तो चलना है, ऐसा दोस्त था। और उसके मेरी लाइफ से जाने के 3 महीने बाद मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए और मैं मसीह में आ गया। सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता मेरा मसीह में खड़ा होना आसान नहीं था।
ये पॉसिबल नहीं था। और मैं प्रभु से पूछते कि परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी बात से आपने उसे अलग क्यों कर दिया? तब इतना ध्यान नहीं था इन बातों में, ना मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस चीज पे था कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं और मेरे मेंटली अपसेट के दौरे ये सब बीमारियां मेरी लाइफ से दूर हो जाए, बस इतना ध्यान उस समय था। लेकिन दिल में ये बात थी कि उसको परमेश्वर ने मुझसे अलग क्यों किया। और कल हम 18 साल बाद मिले और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर ये बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेश्वर मुझे कहा कल कि जब तू अविश्वासी था तब मेरा प्रेम तुझ पे प्रकट हुआ, तब तू मेरी योजना के नीचे था, आज सोच क्या होगा। आप जब अविश्वासी थे तब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने के लिए क्या क्या स्कीमें लड़ाई हैं, और जब आप उसके पास पहुंच चुके हो, बैप्टाइज हो चुके हो, पाप और पवित्रता के बारे में जान चुके हो, परमेश्वर को समझ चुके हो, बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये सूर्य अंधेरा लगेगा आपकी ब्राइटनेस के सामने। परमेश्वर में मुझे सेवा में लेके आने से पहले परमेश्वर ने मेरा हर बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर किया। जिस जिस बंदे का प्रभाव मेरी लाइफ पे था उसको मुझसे दूर किया, लेकिन मुझे इस बात की तब अवेयरनेस नहीं थी, मुझे नॉर्मल लाइफ लग रही थी, लेकिन ज्यादा ध्यान तभी भी अपनी हीलिंग की तरफ था, क्योंकि इतना मैं मेंटली अपसेट था कि मुझे दोस्ती यारी परिवार किसी चीज का फिक्र नहीं था, एक ही चीज मुझे सताती थी और मैं छतों पर जाकर रोता था कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। बस ये दुख था मेरे दिमाग कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इतना पढ़ा हूं लेकिन अपनी फैमिली के काम नहीं आया, अब मैं मरने जा रहा हूं, बस ये दुख ज्यादा था मेरे हार्ट में तब। और साथ साथ परमेश्वर काम कर रहा था और वो 3 दिन यहां आता रहा, वो कहता रहा मैं मिलके जाऊंगा, मुझे मालूम है कि अब उससे मिलना आसान नहीं है, मुझे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं सब फॉलो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मुझे मैसेज मिला मैंने कहा कोई प्रोसीजर नहीं, सीधा घर आ जा, हम 5 घंटे बैठे उस दिन कल, हालेलुया। और वो देख रहा था, कहता ये क्या हो गया, ये वाला अंकुर और वो वाला, इसमें जमीन और आसमान का फर्क। जब परमेश्वर आपसे सेवा लेनी चाहे, जब आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे, तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी। पर आप उन 10 सालों में, मैंने कहा 2004 से लेकर जब मैं प्रभु में आया 2014 तक मैं एक अकेला इंसान रहा हूं। मम्मी से कोई बात नहीं, पापा से कोई बात नहीं, भाई से कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचुअल फादर, उनसे भी महीना में एक बार बात हो जाए, 1.5-2 महीने में एक हो जाए, कोई नहीं। इन 10 सालों में परमेश्वर ने मुझे सिर्फ तैयार किया। आप समझ रहे मेरी बात को? आज लोग तैयारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रिजल्ट हमें मिले। अगर आप इस बात को ध्यान से समझो, जो गीत आप सुनते हो अर्नेस्ट मॉल के, सिर्फ अर्नेस्ट मॉल एक ऐसे सिंगर है जिनको मैं सुनता हूं। अगर आप आजकल के वर्शिप उठा के देखो तो उनका ध्यान वर्शिप की तरफ नहीं, एक सीन में 4 सूट चेंज हो जाते हैं, मतलब
आपको देख के लगता है कि यार बंद करो इसे, मेरी स्पिरिचुअलिटी कम हो रही। सॉन्ग सुन के मुंह की तरफ ध्यान है, दांत मतलब एक्सप्रेशन नहीं मिस होना चाहिए कोई भी, पर सॉन्ग में मसा हो चाहे ना। ये जो फॉलोअर्स होते हैं ना, ये जो फॉलोअर सब्सक्राइबर्स टिकटॉक पे, ऐसे लोग जिनकी सिर्फ ये धीमे धीमे करते हैं और 3-3 करोड़ 30-30 करोड़ फॉलोअर्स होंगे, हाँ तो क्या हम उनको कामयाब मान ले? कामयाब हो गए वो? अरे यार परमेश्वर की निगाह में कामयाबी कुछ और है। हालेलुया। कल मेरा दोस्त आगे बता रहा था कि यहां जलंधर में ऐसे लोग जो टॉप पोजीशन पे, और लोग बोलते हैं क्या बात, क्या अमीर बंदा, एक ही बेटा नशे करता, वर्शिप का माहौल ही खराब कर दिया। आप तो अर्निस्ट मॉल रात बैठते थे, पूरी रात 12 बजे बैठना, सुबह 7 बजे तक परमेश्वर में प्रेयर में बैठ के 8 बजे परमेश्वर ने बोलना भजन संहिता खोल मैं तुम्हें सॉन्ग देता हूं। ऐसे यंग सिंगर्स हैं आज भी, अगर आप उनको सुनो तो आप देखोगे कोई ओवर मेकअप नहीं, बस सॉन्ग की तरफ ध्यान है, सामर्थ की तरफ ध्यान है, गाती हैं तो मजा आता है, हाँ है ना? और ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए, आमीन। ये फॉलोअर्स तो टिकटॉक पे भी बहुत है लोगों के, वहां पे जार गलत बातें करो तो आपके लाख लाख फॉलोअर बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? कुछ भी गलत डालो फॉलोअर बन जाएंगे। अरे लोगों को टाइम पास करना है, आपको आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए। हालेलुया। आपको सेवा करनी है। मेरी 4 साल की बेटी अभी से सिंगिंग सीखती है, प्रोफेशनल सिंगिंग, सिर्फ ऐसे बाइक लेके नहीं, सिंगिंग सीखती है पूरा हफ्ता, एवरी डे। हमने जहां बच्चों को लेके जाना है, आपको जहां जाना है, आप आज तैयारी करोगे उसकी, आमीन। इमेजिन करो 2004 से लेके 14 तक अपनी शर्ट लेने मार्केट में नहीं जाता था, अपनी पैंट लेने नहीं, लड़के जाते थे लेने के लिए। बिल्कुल अलग लाइफ, दुखी दुखी जैसे आप बोलते हो कि अकेली लाइफ टोटल। क्यों? परमेश्वर तैयार कर रहा था मेरे को। आप उसकी सेवा करने के लिए अगर तैयार हो, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ दुख खाएंगे, लेकिन वो आपको इतना तैयार कर देंगे, उसके बाद की ब्लेसिंग आपकी अनमैच्ड होगी, कोई मैच नहीं कर पाएगा। यहोशू ने कहा तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुनो तुम किसकी, मैं तो अपने घराने से मैं यहोवा की ही सेवा करूंगा, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब एक विश्वासी भी खुदाबंद की सेवा करने के लिए बुलाया गया। बाइबल कहती है कोई चर्च में प्रबंधक होगा, कोई वॉलंटियर होगा, कोई असिस्टेंट होगा, कोई कॉल सेंटर में होगा। लिखा परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए। अगर आप विश्वासी हो और सिर्फ विश्वासी के तौर पे चर्च आते हो तो आप कंप्लीट विश्वासी नहीं। हालेलुया। चाहे आपको एक दिन सुसमाचार के लिए देना पड़े, आप चर्च को दोगे, बाकी दिन में आप लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे। जो लोग बैकस्लाइड हो चुके, पीछे हो चुके, प्रभु में कमजोर हो चुके, उनको वचन देने के लिए जाओगे। आपको सेवा करनी पड़ेगी इन दुखों से बाहर आने के लिए, और परमानेंट हल आपका सेवा है। और कैसे करेंगे हम सेवा? लूका की 14:27 में लिखा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। कैसे करेंगे हम सेवा? अपना क्रूस उठा के। कौन सेवा कर, मालूम कौन सेवा कर सकता है? जिसने अपना क्रूस उठाया हो, मतलब अपने आप का इनकार किया हो, मतलब अपने सेल्फ डेथ में चला गया हो, वो बंदा अपने आप के लिए मर चुका हो। एलिया ने कहा अपनी चादर ली, एलिशा पे डाली। एलिशा को मालूम था जब एक प्रॉफिट ऐसा करता है तो इसका मतलब ये है इमीडिएटली उस प्रॉफिट को फॉलो करना है। और जब उसे वो फॉलो करने लगा, बोला एलिया पिता मैं अपने डैडी को मम्मी को जरा किस कराऊं, उन्हें बताऊं, अच्छा वो फलाने को इन्हें पहले ले लियो खेत दे, और फलाने को गेहूं देने ले लियो, तो मैं बड़ा सा उकताब कर रहा हूं, तो मैं तेरे पीछे चलता। एलिया कहता है जा, मैंने तेरे साथ क्या किया, भाग जा यहां से। मतलब अगर मैंने खुदाबंद की ओर से शॉल तुझ पे डाला है तो इसका मतलब तुझे इमीडिएटली मुझे फॉलो करना है, 1% टाइम नहीं दूंगा, अभी चल रहे। लिखा उसने बैलों को काटा, बैलों का सामान जलाया, ताकि कभी भी जब सेवा में चुनौतियां आएंगी, दुख आएंगे, निराशाएं आएंगी, मेरा पास मुझे पीछे ना खींचे। और लिखा उसने सब कुछ जला के एलिया का पीछा किया।
बहुत से लोग, मैं आपको बता देता हूं, हजारों चेले एलिया के फेल हो गए पर अलीशा फेल नहीं हुआ। सबको मालूम था एलिया आसमान पे चढ़ने वाला है, किसी ने पीछा नहीं किया, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में फंसे हुए थे, बोल रहे थे हम निराश है जी, अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं जी। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने आप का इनकार करे तो तू मेरी सेवा कर पाएगा। नहीं प्रभु, के लिए मेरा थत्तापन ठीक कर तो मैं लोगों को प्रचार कर पाऊंगा, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। पहले मुझे तो चंगा कर, पहले मुझे तो बेबी दे, मैं अपने रिश्तेदार की बहू के पास कैसे जाऊं बताऊं कि प्रभु बेबी देता है, मेरी तो कोख अभी खाली है। लिखा जो सेल्फ डेथ में, जो अपने आप के लिए मर चुका है वही सेवा कर सकता है, जिसका ध्यान ये नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये मेरी लाइफ है वैसी क्यों है, जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर है, अपना क्रूस उठा चुका है, अपने आप का इनकार कर चुका है, उसने कहा वो मेरी सेवा कर पाएगा। सेवा करने के लिए आपको अपने आप का इनकार करना होगा, आपको प्रभु को बोलना होगा कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आप आंखों से देख के शादी नहीं करेंगे, आप सुंदरता देख के शादी नहीं करेंगे, आप राइट टाइम का वेट करेंगे परमेश्वर के मुताबिक। आप कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी का हो, आप खुदावंद की मर्जी को पूछेंगे, खोजेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर आपको बोरिंग लाइफ देने के लिए नहीं आया, वो आपको हंसने से मना नहीं करता, आपको घूमने से मना नहीं करता, कपड़े डालने से मना नहीं करता, वो आपको पाप करने से मना करता। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, अगर तू नहीं उठाएगा तो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने पड़ोसी को अपना क्रूस उठा, अपने आप का इनकार कर और परमेश्वर के पीछे चल और उसकी सेवा कर। आमीन। इसी लूका का 8 बाब हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाते हुए नगर नगर और गांव गांव घूमने लगा, और उसके 12 शिष्य भी उसके साथ हुआ करते थे। वे 12 उसके साथ थे। कितनी स्त्रियां भी, लेडीज भी, जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वो ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी। यीशु मसीह जब कर नहीं दिया चर्च का, तो पतरस परेशान था, वो काम बिजनेस नहीं कर रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि राजा कर किन से लेते हैं, अपनों से, अपने पुत्रों से, के परायों से, कहता परायों से। यीशु मसीह ने कहा तो मैं कर क्यों दूं, क्योंकि जिसका कर देना है जिस परमेश्वर का, वो मेरा बाप है। पर इसलिए कि हम उनको ठोकर ना खिलाएं, जा और बंसी डाल और जो मछली पहले निकलेगी उसके मुंह में तुम्हें सिक्का मिलेगा, मेरा और अपना टैक्स चुका दे। ऐसा परमेश्वर जो मछली के मुंह से पैसा निकाल सकता है, बाइबल कहती इस वचन के अनुसार कि वो स्त्रियां अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। अगर परमेश्वर एक मछली के मुंह से सिक्का निकाल सकता है, क्या 100 सिक्के नहीं निकाल सकता? पर चर्च कभी बरकत नहीं पाएगी अगर परमेश्वर डायरेक्ट आसमान से पैसा बरसाता रहेगा, तो कभी नहीं पाएगी चर्च बरकत। कैसे पाएगी अगर परमेश्वर सिर्फ दूसरे लोगों से इंतजाम करता रहेगा? चर्च बरकत कभी नहीं पाएगी। लिखा वो औरतें भी जो यीशु मसीह की अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से, किसी के पास सोना था, किसी के पास चांदी थी, किसी के पास प्लॉट थे, किसी के पास महंगे महंगे इत्र थे, लिखा उनको बेचकर वो परमेश्वर की सेवा किया करती थी। यीशु मसीह के पास भीड़ रहती थी, चेले रहते थे, दूसरे शहरों में जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना, किराए की ये चीज वो चीज, सुसमाचार का खर्चा, बाइबल कहती वो स्त्रियां परमेश्वर की अपनी संपत्ति से सेवा करती थी। मैं ये अपनी लाइफ में मेक श्योर करूं कि मेरा प्यार परमेश्वर के साथ है या पैसों के साथ है। अगर मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं तो मैं पैसों की परवाह कभी नहीं करूंगा, और अपनी संपत्ति से, अपने पैसों से, जो कुछ मेरे पास है, जो गिफ्ट है, जो वरदान है, कुछ भी जो मेरे पास है, मैं उससे अपनी परमेश्वर की सेवा करूंगा। इमेजिन करो,
आप समझ रहे क्या? वो टाइम क्या था? वो लोगों के लिए था। सेवा मुझे आशीषित कर रही, मेरी बीमारियों को दूर की है, मुझे पारिवारिक तौर से ब्लेस की है, मुझे संसारिक तौर से, आत्मिक तौर से ब्लेस की है। इसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, इसमें मेरा फायदा, आपका फायदा है सेवा करना। कहता तू मेरी सेवा करेगा मैं तुझे इज्जत दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा निर्गमन के अनुसार मैं तेरी रोटी और पानी पे आशीष दूंगा, मैं तेरे रोग को तेरे जीवन से दूर करूंगा। लिखा है बाइबल में, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। और इंग्लिश में सही लिखा, एंड ये शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड, कि सर्व करना खुदावन को, सेवा करना खुदावन की, और तू वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। कहता सर्व करना खुदावन को, सेवा करना खुदावन की, कहता वो तेरे अन्न पे, तेरे जल पे आशीष देगा। तेरी रसोई सबसे अलग होगी, तेरे घराना, तेरा घराना सबसे अलग होगा। जो बीमारियां लोगों, लोग जिससे डरते और इकट्ठे नहीं हो रहे कि फलाना वायरस आ गया, ये रबिश है, वो वायरस चूहे की तरह खत्म है, वो यीशु मसीह के नाम आपके सामने से भागेगा। वो वायरस किसी काम का नहीं आपके सामने हो। कहता तू मेरी सेवा करेगा मैं तेरे अन्न पे आशीष दूंगा, तेरे जल पे आशीष दूंगा, तेरे बीच से रोग दूर करूंगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा। आपका बॉस आपकी इज्जत करेगा अगर आप सेवा करोगे, आपकी सरकार आपकी इज्जत करेगी अगर आप सेवा करोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप सेवा करोगे। आप मुझे अपना गिफ्ट देख रहे हैं, मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूं, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, मेरे पास वरदान है, मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं सेवा करूंगा, मैं ऐसे सफाई कर सकता हूं, मैं सेवा करूंगा, मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हेल्प कर सकता हूं, मैं सेवा करूंगा, मैं महीने में 2 दिन दूंगा, मैं 1 हफ्ते में आपको 4 घंटे दूंगा, क्योंकि हमें सेवा में जुड़ना जरूरी है। अगर हम सेवा में नहीं जुड़ते तो ये बाइबल कहती है हम वचनों से पीछे हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया। इसलिए यहोशू ने कहा था तुम लोग चुनो तुम किनकी सेवा करोगे, अमोरियों के देवताओं की जो उन देश में रहते हैं जिस देश में तुम रहते हो, या तुम यहोवा की सेवा करोगे। कहता तुम चुनो, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। तो आप सोच लो आप सेवा करोगे कि नहीं, क्योंकि अगर एक बंदा सेवा करता है, जब वो सेवा में आता है तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब वो बंदा सेवा में, अब चर्च में स्टैंडिंग वॉलंटियर है, अब उसे मालूम है अगर मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो मेरे खड़े रहने का कोई भी औकात नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैं झूठा हूं, मैं उस चर्च में खड़ा हूं जहां पवित्रता का प्रचार होता है और खुद मैं गंदगी में फंसा हूं, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर एक रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन हो, वो ये बात समझता है कि नहीं, अब मैं सेवा में हूं, मैं ये पाप कर सकता हूं और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं सेवा में आ चुका हूं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसी वजह से आप पाप से बचे रहते हो। जब आप सेवा में आते हो, सेवा आपको पाप से बचा के रखती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि मुझे लोग देखते हैं, मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझे लोग देखते हैं कि मैं चर्च का वॉलंटियर हूं, मैं इस डिपार्टमेंट का मेंबर हूं, अगर मैं अपनी जगह से हटूंगा या गलत काम करूंगा तो मैं एक बैड एग्जाम्पल बनूंगा, और वो मैं बन के खुदा का कर्ज नहीं देना चाहता हूं। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर को ऊंचा करते पब्लिकली, आप टेस्टिमनी देते हैं, आप प्रीच करते हैं, तो परमेश्वर जब आपके मुंह से अपने आप को ऊंचा होते हुए देखता है, वो आपको ऊंचा करता है, और जब पब्लिकली आप उसको नीचा करते हो पाप से, किसी भी चीज से, आप खुद नीचे होते हो। और इसलिए सेवा करना जरूरी है, क्योंकि सेवा करना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आप जिम्मेवार होते हो, आपको मालूम होता है नहीं मैंने ये काम नहीं करना, और अगर कुछ गलत किया आप पछताओगे, वापिस आओगे, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपको, वो कहते हैं ना छोटा सा बच्चा कैसे खाना पका लेता है, ये कैसे काम कर लेता है, कहता भाई बाप नहीं था सिर पे तो क्या करते, यानी जिम्मेवारी ने काम करना सिखा दिया। जब जिम्मेवारी आपकी लाइफ पे आती सेवा की, 90% लोग सुधर जाते। उस वचन को पढ़ेंगे, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा,
यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को सर्व करोगे, अगर आप सेवा में हो, आपकी प्रार्थना की खुदा आपको हील करे जल्दी सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेवा में हो, आपके पास एक बहाना है, हालेलुया, एक रीजन है आपके पास प्रभु से बात करने का। वो गूंगा बहरा परमेश्वर नहीं है, वो बिना दिमाग वाला परमेश्वर नहीं है कि उसके सामने एक दारू की बोतल ले जाओगे बोलेगा सब ठीक हो जाएगा। वो देखता है आपके रीजंस, आपका दिल, मांगने का तरीका, मांगने का कारण क्या है आपका। खुदावन तेरी सेवा करना चाहता हूं, मुझे परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट फाइनेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो आपको देगा। जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से मांगेगा मेरे नाम में पिता तुझे देगा। पर मेरी महिमा, यानी खुदा कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी महिमा के लिए, मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए जो तू कहे करेगा मैं करूंगा। वो चाहे तेरे बेटे को बाहर भेजना हो, कुछ भी हो, अगर वो मेरे नाम के लिए, मेरी महिमा के लिए होगा तो मैं करूंगा। हालेलुया। आज कितने स्टूडेंट्स यहां से जा चुके हैं फॉरेन में, जिनकी फैमिलीज के पास 10 रुपए भी नहीं थे भेजने के लिए, क्योंकि उनका वायदा था परमेश्वर तू हमें यहां से भेज, हम सपोर्ट करेंगे चर्च को फाइनेंशियली, तू हमें यहां से भेज, हम चर्च को सपोर्ट करेंगे, हम पैसा भेजेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदावन की महिमा के लिए उन्होंने मांगा और परमेश्वर ने दिया उनको। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे संपत्ति वाले, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां अपनी संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा कर, कि मेरे पास कंप्यूटर का गिफ्ट है चलाने का, मेरे पास ये गिफ्ट है, मेरे पास साउंड मैन का गिफ्ट है, मेरे पास कुछ भी गिफ्ट है। अरे कोई गिफ्ट नहीं है, बक्सा तो उठा सकते हो साउंड का क्या नहीं उठा सकते हो, दरी साफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाँ पर्दे धो सकते हो कि नहीं धो सकते हो, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, यहां कोई इंजीनियर है, जो कुछ भी आपके पास है आपको खुदावंद की सेवा में लगाना है। आप फिर पक्के बिलीवर हो, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। मेरा यह विश्वास है कि हमारी चर्च बिलीवर चर्च नहीं, यह सेवकों की चर्च है। आमीन। जहां हम सब सेवा में, कोई प्रीच करने की सेवा में, कोई गाने की, और कोई काम करने की सेवा में, हमारा हेड जो है वो परमेश्वर है, हम उसकी बॉडी के अलग अलग अंग हैं, हाथ अपना काम कर रहा है और पैर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। एक शिप चल रहा है और शिप के नीचे जो कोयला डालने वाले होते मजदूर, वो नाराज हो गए एक दिन, और जब शिप बंद हुआ तो कैप्टन ने कहा शिप बंद क्यों है, कहते कोयले डालने वाले, हमको कौन सा कोई देखता है, अरे कहते देखता कोई ना देखे तुम्हारी वजह से शिप चल रहा है। हम दिखे चाहे ना दिखे, खुदावंद का काम करते रहना, क्योंकि दिखने के लिए काम करना तो वो पवित्रता ही नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो सेवा करना है, भूलना नहीं है, फिर से बोलो पड़ोसी को, और सेवा करने के लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उल्टा टांग के कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रेगुलर उसकी सेवा कर सकते हो। आप कंप्यूटर की, कंप्यूटर आईटी के आप प्रोफेशनल हो, आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट जाके बोल सकते हो कि मैं बहुत बिजी हूं जी, नोएडा की कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मैं महीने में एक दिन आऊंगा और पूरा दिन काम करके जाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हम पूरा नहीं दे सकते, हमें मालूम है। अगर आप 3 रोटियां खाते हो और बोलो नहीं आज 2.5 है मैंने खानी नहीं ऐसी तैसी, तो नुकसान किसका? आपका। अरे 3 नहीं है 2.5 है तो क्या करो, खा लो। जितनी सेवा होती है क्या करो, हफ्ते में काम करो, एक दिन छोड़ देना जब जुकाम होता है, तो जब खांसी होती है, तो जब बुखार होता है, तो क्यों नहीं एक दिन बुखार समझ के एक दिन खुदावंद को दे दो। हाँ, और ये किसका फायदा? चर्च का काम कभी नहीं रुका। कहता मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तेरे अन्न पे आशीष, तेरे जल पे आशीष, मैं तेरे रोग को तेरे बीच से दूर करूंगा। ये आशीषें आप पढ़ के देखो बाइबल में, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो सेवा करने वाले लोगों के लिए ठहराई गई। आप तैयार हैं सेवा करने के लिए? जब आप डेडिकेट कर देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, अगर खुदावन के लिए आपका बिजनेस समर्पित है, आपका फाइनेंस खुदावन के लिए, वो कभी फेल नहीं होगा। बॉडी खुदावन के लिए फेल नहीं होगी।
अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, मुझे ताकत दे मैं तेरी सेवा कर सकूं, मैं तेरी सेवा करूं खुदावन, मेरा घराना तेरी सेवा करे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता तेरी सेवा करें। अपने हाथों को उठाऊंगी, कार करो यीशु मसीह के नाम में। वो खुशी है खुशी दुनिया ने दी है, जो दुनिया देती है जो, वो खुशी कुछ नहीं बिन देना सरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे ना सरी। अपने हाथ को उठा, बोलो मैं तेरी सेवा करूंगा, पवित्र जीवन से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ हाथों से मैं तेरी सेवा करूंगा। उठाओ हाथों, मांगो, आई विल सर्व यू माई लॉर्ड, मैं तेरी सेवा करूंगा अपने घराने समेत, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं।